हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे यार। देखो यार, मैं चश्मा पहन के हूँ। कोई खास वजह तो नहीं है, कोई आई फ्लू वगैरह नहीं हो रखा है, बस हल्की सी आंखों में धूप आ रही है तो सोचा पहन लूँ। हाँ, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, सो राइट नाउ मैं अभी हूँ चाकन चौक में। लास्ट टाइम आपको जो दिखाया था, मैं चाकन का मेन जो चौक है वहाँ पर फिलहाल हूँ मैं। एक्चुअली आज मैं सोच रहा था कि कहीं घूमने वगैरह जाऊं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि बस से वगैरह जाऊं कहीं पे लंबा, मतलब घूमने के लिए जाऊं बोल के, बट नहीं, आज ज़्यादा लंबा नहीं जाते हैं। आज एक्चुअली मैं चल के ही थोड़ा घूमता हूँ यहाँ वहाँ, और आपको भी यहाँ का जगह दिखाता हूँ। और हाँ, थोड़ा दिन के बाद में भी थोड़ा लंबा टूर जम मारेंगे। फिलहाल छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जो है बस से बड़ी बड़ी छलांगें मारेंगे, ठीक है? तो फिलहाल चल के ही जाते हैं आज, देखते हैं। आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं कहाँ जाए। बस मैं निकल गया। मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है यार। और एक्चुअली मैं सुबह आज जल्दी उठा तो सुबह एक्चुअली बारिश हो रही थी, तो क्या बोले, पूरा मौसम गीला गीला हो रखा है यार। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब मुझे वीडियो बनाना होता है उस टाइम ही सुबह मॉर्निंग में इतनी बारिश क्यों आती है? मैंने नोटिस करा, दो दिन से बारिश नहीं आई थी सुबह। ये बराबर संडे के दिन आता है और बारिश हो जाती है, आई डोंट नो क्यों। और मैं थॉट करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सनी वेदर रहेगा तो थोड़ा घूमना भी अच्छा रहेगा, और ऐसे गीले मौसम में ज़्यादा घूमना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कितना ज़्यादा कीचड़ होता है यहाँ पे। उफ, बता नहीं सकते। ओके, और ज़रूरी बात, और आज जो है मैंने अपने साथ बैग कैरी कर रखा था, तो उसमें छाता वगैरह जो भी मेरा इक्विपमेंट है सब साथ में, तो बारिश आएगी तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, सो दिन का शुरुआत करते हैं अपना वड़ा पाव और चाय के साथ, ठीक है? बाद में आगे सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, चलो। वड़ा पाव के लिए वेटिंग। ओके, सो ये है महाराष्ट्र की आन बान शान, वड़ा पाव। ओके, सो मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद आपसे मिलता हूँ बाद में, ठीक है? ओके। कितना होगा अभी? 40। ओके यार, मेरी पेट पूजा तो हो गई, काफ़ी अच्छा था वड़ा पाव, दो वड़ा पाव में ही पेट भर गया। भाई पेट पूजा हो गई, अब चलते हैं, चल चल के पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं है मुझे। चलते हैं, एक रास्ता तो दिख रहा है, अब रास्ता दिख रहा है तो चलते रहेंगे, मंजिल मिल ही जाएगी चलते चलते। ओके, कंटिन्यूसली अभी मुझे आई थिंक 5-10 मिनट हो गए चल चल के, अभी और आगे जाऊंगा, आई डोंट नो, मुझे खुद पता नहीं मैं कहाँ तक जाऊंगा, जब तक कुछ अच्छी चीज़ देखने नहीं मिल जाती तब तक मैं चलते रहूँगा, ठीक है? और देखो राइट ना, अभी आई थिंक या मॉर्निंग के अभी 8:30 बज रहे हैं, सो या यही एक टाइमिंग होता है कि कोई भी शॉप्स वगैरह हो गया या फिर कोई पब्लिक प्लेस वगैरह कुछ कोई होता है तो यूजुअली 8:30-9 बजे तक खुल जाता है। सो ऐसा कुछ कोई चीज़ होगा तो सही टाइमिंग है मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो मैंने 2-4 च्युइंगम के पैकेट ले लिया, क्योंकि च्युइंगम चबाते रहने से माइंड कॉन्स्टेंट रहता है एक चीज़ पे, और मेरा फिलहाल फोकस है व्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में, माइंड को थोड़ा फोकस रख रहा हूँ। आई डोंट नो कौन सी जगह है, इसी से पूछना पड़ेगा। आम्बेठान चौक ना? ओके, सो ये है चाकण में आम्बेठान चौक। एक्चुअली आम्बेठान चौक नज़दीक है, काफ़ी जल्दी पहुँच गया एक्चुअली, मैं 15-20 मिनट में ही पहुँच गया। मैं सोच रहा था शायद लंबा होगा। मैं यहाँ पे चौक देखा ना, इसलिए मैं कन्फर्म करने के लिए वो दुकान वाले भैया से पूछा कि कौन सी जगह है बोल के, तो कंफर्म हुआ हाँ ये आम्बेठान चौक है। बट अभी कंफ्यूज हूँ, वहाँ जाए यहाँ पे जाए, कहाँ पे जाए यार, पता नहीं क्यों बट अचानक से मुझे झारखंड की राजधानी रांची याद आ गया। कुछ चीज़ें अचानक से हो जाती हैं, उसमें से रांची तो अपना टॉप पे आता है। ओ हो भैया, मेरे राखी के बंधन को निभाना, रक्षाबंधन आ रहा है गाइस थोड़े दिनों में,
थोड़े दिन में क्या, आज 27, 28, 29, 30 आज को पकड़ ले तो 3 दिन है। What the? सही, मैं बड़ा इरिटेट होता हूँ यार ट्रैफिक में कभी भी। ओके सो मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया देन थोड़ा आगे चला गया था और जो ये गया है वो नासिक की तरफ गया, मेन हाईवे। फिलहाल जा रहे हैं इस रोड में, आई डोंट नो मुझे क्या देखने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बट चलते जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई फूल वगैरह बेच रहे हैं तो मेरा दिमाग कहता है कि आगे कोई ना कोई टेम्पल होगा। यार मैं ऐसे घूम रहा हूँ ना तो सही में ऑनेस्टली बता रहा, मुझे सच्ची में रांची शहर का बड़ा याद आ रहा है मुझे। ओके सो हम पहुँच गए एक्चुअली मंदिर में। यहाँ पे जो है वो देखो चाकण पुलिस थाने, उसके बिल्कुल बगल में है ये मंदिर। तो गाइस देखो यार, मंदिर मंदिर होता है आफ्टरऑल, ठीक है, एकदम मन शांत हो जाता है अचानक से मंदिर में आने के बाद, स्ट्रेस गायब हो जाता है, पूरा मन शांत हो जाता है। वाओ, काफ़ी अच्छी वॉल पेंटिंग बनाई है। ये वॉल पेंटिंग देख के भी ना मुझे अपने रांची शहर की याद आ गई, क्योंकि जब मैं रांची गया था ना तो सबसे पहले वॉल पेंटिंग पे ही मेरी नज़र गई थी। क्या बात है, हाय, ये जो गाड़ियाँ देख रहे हो सीज़ हुई हुई, जो सीज़ की है पुलिस लोगों ने, मेरा एक दिन याद आ गया। मेरी भी गाड़ी एक्चुअली जब मैं झारखंड गया था ना तो मेरी भी गाड़ी एक्चुअली जब्त की गई थी। एक्चुअली मेरी नहीं थी, मेरे चाचा की थी। बहुत बुरा लगता है याद करके। A few moments later. अभी जो जाएंगे हम चक्रेश्वर मंदिर जाएंगे, चक्रेश्वर मंदिर प्रवेश द्वार। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक्चुअली राइड्स वगैरह लगा के रखे हैं, जिन्होंने राइड्स वगैरह लगाए वहाँ तंबू वगैरह लगाए उन लोगों ने। फिर ऐसे बहुत मेले देखे हैं लेकिन रांची का मेला देखने कब मिलेगा पता नहीं। अबे साले, देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह आई हुई है, मुझे लगता है कि काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित प्रसिद्ध मंदिर होगा मे बी, क्योंकि टूरिस्ट के जो गाड़ियाँ वगैरह होते हैं ना वो भी आए हुए हैं। और नंबर प्लेट आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देख लो, ये है HR हरियाणा पासिंग वाला। ओके सो ये है चक्रेश्वर मंदिर। यहाँ पे काफ़ी लोग इन्हों हवन वगैरह करवा रहे हैं, इन्हों पूजा वगैरह पाठ वगैरह वहाँ पे। अभी मैं ज़्यादा उनके पास नहीं जा रहा हूँ, उनका पूजा पाठ वगैरह चालू, आई डोंट नो वीडियो वगैरह बनाने देंगे कि नहीं, बट फिर भी एक फेरी मार के आता हूँ, हम भी कम नहीं है किसी से। बड़ा जायंट बनियन ट्री मैन, बहुत बड़ा है, काफ़ी पीसफुल जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। ओके सो मैं अभी राइट नाउ आधे घंटे से चल रहा हूँ कि मेन हाईवे मिल जाए कहीं पे, बट दूर दूर तक कोई हाईवे वगैरह नहीं दिख रहा है मुझे, देख सकते हो। आई थिंक ये काइंड ऑफ कोई कॉलोनी वगैरह है, जब तक ये रोड ख़त्म नहीं होता मैं चलते रहूँगा। कहाँ तक लेके जाता है देखना है ये रोड मुझे, मैंने अभी तक अपना गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अभी तक करूँगा भी नहीं, देखता हूँ कहाँ कहाँ जाता हूँ। हाईवे आई थिंक नियर ही है, गाड़ी वगैरह से क्रॉस पास हो रही है, मतलब मे बी वो मेन रोड हो सकता है। मेन रोड पे तो पहुँच गया बट आई डोंट नो ये कौन सा रोड है, आई एम स्टिल कन्फ्यूज। एक्चुअली मुझे डाउट मार रहा है कि रास्ते के साइड मे बी ये साइड से जाना पड़े। चाकण चौक इतना का है ना, चाकण चौक इतना है का? थैंक यू, मैं जा रहा था गलत रास्ते पे। एक्चुअली मुझे जाना है ये रास्ते पे, स्ट्रीट यहाँ पे। One eternity later. भाई चलते चलते थक गया यार, थोड़ा सा बैठ लेता हूँ यहाँ पे। ओके सो यार देखो क्या बोलो, महाराष्ट्र की यही खास बात है, महाराष्ट्र की सब जगह की वही बात है, जहाँ पे जो चीज़ फेमस होता है वो हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर जगह मिल जाता है। इवन कोई बड़ी जगह हो या कोई छोटा सा गली क्यों ना हो, हर जगह मिल जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ
यहाँ पे चाय और वड़ा पाव हर जगह मिल जाएगी। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे चाय वड़ा पाव मिलना ही मिलना है। एक्चुअली ना जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो दो लोग चार लोग छः लोग जो भी मुझे नोटिस करते हैं तो मज़ा आता है। जब मुझे लोग नोटिस करते हैं कि हाँ ये क्या कर रहा है, कुछ हटके कर रहा है, ये काम किसी को करते हुए नहीं देखा मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी स्टिल रहता हूँ। ओके सो हम अभी अपने चाकन चौक में पहुँचने वाले हैं। भाई ने पूरी ट्रैफिक रोक रखी है, ये जो सामने जो वी एक्सप्रेस का जो ट्रक है और उसके सामने एक सुजुकी का एक गाड़ी है सिलेरियो, बस उन दोनों का ड्राइवर के बीच में कुछ तो हाल सुनी हो गया। ट्रैफिक देखो कैसा, उनकी वजह से पूरा रुक गया है। ओके सो ये मैं वीडियो अगले सुबह मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ अभी क्योंकि कल जो है वो मैं शूट नहीं कर सका क्योंकि जब मैं वापस रूम में आया तो थोड़ा बारिश वगैरह भी हो रहा था, प्लस मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, कुछ भी रिकॉर्ड करने नहीं मिला मुझे। बट कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ, मैं थोड़े दिन में एक पावर बैंक परचेस करने का सोच रहा हूँ, बैटरी कंजम्पशन का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। और कल हम बहुत जगह घूमे थे, काफ़ी घूम घूम के काफ़ी लंबा चले गए थे, बट वीडियो में पता नहीं चलेगा बट मैं काफ़ी घूमा हूँ, ठीक है, काफ़ी लंबा तक घूमा हूँ मैं और काफ़ी जगह का वीडियो मैंने डाला भी नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था तो मैंने कट 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 करके थोड़ा छोटा किया वीडियो को, एटलीस्ट 10-11 मिनट तक लाया क्योंकि जब मैंने वीडियो एडिट करा तो 14-15 मिनट पहुँच गया था। मैंने बोला नहीं इतना लंबा नहीं बनाना है, 10-11 मिनट का इनफ है। एक्चुअली गया था मैं, काफ़ी लंबा भी गया था, ठीक है, बहुत लंबा चला गया था मैं चल के। और एक ख़ास बात है, मैंने गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं करा, सिर्फ चल चल के पूरा वापस तक, वापस मतलब जहाँ से स्टार्ट करा था पूरा घूम के वापस वहीं पे ख़त्म करा मैंने। ओके सो वीडियो देख के यार मज़ा आया तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना प्लीज़, ठीक है, और मैं बोलते रहता हूँ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि मेरे नए नए वीडियोस का मज़ा उठाते रहो, ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे किसी नई जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।